सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट गेमिंग मेम्ब्रेन कीबोर्ड अंडर ₹1500। वैसे तो मैंने इस लिस्ट में अंडर ₹1500 ही सारे कीबोर्ड्स रखे हैं, लेकिन एक कीबोर्ड था जो कि अब 1500 था और मुझे बहुत पसंद आ गया, तो उस कीबोर्ड को मैंने अपनी लिस्ट में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दिया हूं। तो बुरा मत मानना यार कि 1500 रुपए कीबोर्ड बोल के 2000 का कीबोर्ड दे दिया, तो सब चलता है। मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री उस कीबोर्ड को दे दी, बहुत अच्छा कीबोर्ड, अभी आप देखना। तो चलो अभी फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे महंगे कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा वही वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला कीबोर्ड था। तो ये है रेड गियर शेवा, बहुत ही एक ट्रेडिशनल सा नाम रखा गया है इसका। लगता है कि इंडियन गेमर्स के लिए ये इस कीबोर्ड को बनाया गया है। और वैसे सभी कीबोर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, तो वहां से जाकर जो प्राइस है, करंट प्राइस, उसको चेकआउट जरूर कर लेना। अब इस कीबोर्ड की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आपको 6 मैक्रो कीज मिलती है। और मैक्रो कीज का फायदा भाई, गेमर्स जानते हैं कि मैक्रो कीज कितनी यूजफुल है गेमिंग के टाइम पर। तो ये जो मैक्रो कीज है, इसको आप कीबोर्ड से भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक रिकॉर्ड का बटन मिलता है इस कीबोर्ड में, यहाँ के ऊपर की तरफ। और साथ में जो डेडिकेटेड रेड गियर का सॉफ्टवेयर है ना इस कीबोर्ड का, आप उसके थ्रू भी अपनी मैक्रो कीज को कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे इस कीबोर्ड का एक हल्का वाला वेरियंट भी आता है, जो कि है रेड गियर K502। तो ये जो K502 वाला वेरियंट है, ये इस रेड गियर शेवा का एक हल्का वाला लाइटर वाला वर्जन है। अब इस कीबोर्ड के बाकी फीचर्स की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको फुल RGB बैकलाइट मिलती है, और इसमें आपको 7 प्रीसेट मोड्स मिलते हैं RGB बैकलाइट के भी, और 6 एडिशनल एम्प्टी स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें कि क्या है ना कि आप अपनी खुद से RGB कस्टमाइजेशन बनाकर उसमें सेव कर सकते हो। ये जो 6 एडिशनल स्लॉट्स है ना, ये इस कीबोर्ड की मेमोरी में ही है, तो आप जो भी अपने RGB मोड्स बनाते हैं वो आप इस 6 एडिशनल स्लॉट्स में सेव कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ में इस कीबोर्ड में आपको एंटी घोस्टिंग वाला फंक्शन भी मिलता है, तो इसमें आपको 26 कीज में एंटी घोस्टिंग फंक्शन मिलता है, और एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपके RGB और मैक्रो कीज को कस्टमाइज करने के लिए। और इस कीबोर्ड में आपको डेडिकेटेड मीडिया कंट्रोल कीज भी मिलती है कीबोर्ड में ऊपर की तरफ, तो उससे भी जो है अपना काम बहुत आसान हो जाता है। और भाई कंफर्ट के लिए इस कीबोर्ड में आपको एक रिस्ट रेस्ट मिलता है, और अगर आपको रिस्ट रेस्ट पसंद नहीं है ना, तो आप उसको डी अटैच भी कर सकते हो। और इस रिस्ट रेस्ट की ना एक बहुत अच्छी बात है कि ये मैग्नेटिकली आपके कीबोर्ड में अटैच होता है, तो उसको रिमूव करना और लगाना बहुत ईजी हो जाता है। और साथ में इस कीबोर्ड में आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिलती है, और 450 ग्राम का इस कीबोर्ड का वेट है। तो ये वाला जो रेड गियर शेवा कीबोर्ड है, ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड है, और अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हो। बाकी इस प्राइस रेंज में एक दो मैकेनिकल कीबोर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए या फिर ये रेड गियर शेवा चाहिए अपने नीड्स के हिसाब से। तो अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट कीबोर्ड पर आ जाते हैं, जो कि है HP K500F। इस कीबोर्ड के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 999। और अब इस कीबोर्ड की बात करें तो ये जो कीबोर्ड है, ये पूरा मेटल पैनल के साथ आता है, तो भाई प्रीमियमनेस तो यहाँ पर आपको पूरा भर भर के मिलेगी। मतलब आपको इस कीबोर्ड में ऊपर की तरफ पूरा मेटल पैनल मिलता है ना, तो बहुत प्रीमियम लुक ये आपको कीबोर्ड देगा। और साथ में इस कीबोर्ड में यहाँ जो ऊपर की तरफ HP का लोगो बना है ना, इस पे भी आपकी LED जलती है, तो अगेन प्रीमियम लगता है यार बहुत। और बाकी इसके RGB लाइटिंग की बात करें तो इसकी RGB लाइटिंग में आपको 3 प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स मिलते हैं, और इस कीबोर्ड में भी आपको 26 कीज एंटी घोस्टिंग फंक्शनैलिटी मिल जाती है। साथ में इस कीबोर्ड में आपको डबल इंजेक्शन की कैप मिलते हैं, जो कि 10 मिलियन की क्लिक्स के लाइफ स्पैन के साथ आते हैं। और साथ में इस कीबोर्ड में आपको 3 ईयर्स की ब्रांड वारंटी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 698 ग्राम का इस कीबोर्ड का वेट है। अब पूरी यहाँ पर आपको मेटल पैनल मिल रहा है, तो उसकी वजह से वेट थोड़ा सा ज्यादा है इस कीबोर्ड का। तो अगर आप अंडर 1000 एक बहुत अच्छी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला कीबोर्ड ढूंढ रहे हो ना, तो ये कीबोर्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो भाई अब यहाँ पर थर्ड कीबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, जो कि है कॉस्मिक बाइट CBA GK22 वेरिटस। अब मैंने जो आपको पिछले दो कीबोर्ड्स दिखाए ना, वो फुल साइज वाले कीबोर्ड्स थे, और ये वाला जो कीबोर्ड है ये आपका 60% कीबोर्ड है, यानी कि इसमें आपको नंबर पैड नहीं मिलता है। अगेन मुझे भी पर्सनली ये जो 60% कीबोर्ड है यही सही लगते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कॉस्मिक बाइट ऑरोरा मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, तो एक तो मैकेनिकल कीबोर्ड भारी होते हैं, और ऊपर से वो इतना बड़ा है, मेरे डेस्क में इतनी जगह ले लेता है, तो मुझे वो उतना सही नहीं लगता है। ये 60% कीबोर्ड एकदम सही है, मतलब छोटे से हैं, पॉकेट में भी रख के घूम लो, अपने डेस्क में भी कम जगह लेते हैं। अब इस कीबोर्ड की फीचर्स की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको डबल इंजेक्शन कीज मिलती है, और साथ में इसकी जो कीज है ना वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, और इसके कीबोर्ड की कीज का जो पेंट है ना वो फेड अवे नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि अपन एकदम हार्डकोर गेमिंग करते हैं, मतलब NFS खेल रहे हैं, W दबा के रख रहे हैं, ASD यूज कर रहे हैं, तो जो अपनी गेमिंग टाइम पर जो कीज ज्यादा यूज होती है ना, उनका पेंट फेड अवे हो जाता है, तो बहुत अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा ऐसा फील आती है अंदर से कीबोर्ड टकला हो गया है। तो वो दिक्कत जो है वो आपको इस कीबोर्ड के साथ नहीं होगी। और साथ में इस कीबोर्ड को जो क्लीन करना है वो भी बहुत आसान है, डस्ट वगैरह घुस जाए आपके कीबोर्ड की कीज के अंदर
बहुत ही इजीली आप क्लीन कर लोगे। बाकी इस कीबोर्ड में भी आपको 12 एंटी घोस्टिंग कीज मिलती है और साथ में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी आपको इस कीबोर्ड में ऊपर की तरफ मिल जाते हैं। साथ में अब आरजीबी बैकलाइटिंग की बात करें तो इसमें आपको 9 प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक इफेक्ट आपका म्यूजिक में रिएक्ट करने वाला इफेक्ट भी है। ये मुझे बहुत सही लगती है कॉस्मिक बाइट के कीबोर्ड्स में कि आपको म्यूजिक रिएक्ट इफेक्ट मिलता है, मतलब मस्त ऐसा एपी भाई के गाने लगाओ, खुद भी नाचो आपका कीबोर्ड भी नाचेगा। बाकी इस कीबोर्ड का जो वेट है वो है 629 ग्राम्स का। और हाँ, ये कीबोर्ड आपके विंडोज और मैक दोनों ही डिवाइसेस को सपोर्ट कर जाएगा। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली 60% कीबोर्ड ढूंढ रहे थे ना, तो एकदम सही चीज है यार, इसको आप ले लेना। तो अब फोर्थ कीबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, जो कि है HP 300। और वैसे इसके प्राइस की बात करूं तो इसका करंट प्राइस चल रहा है अभी 719। अब बाकी स्पेसिफिकेशंस पर आ जाए तो ये एक फुल साइज का कीबोर्ड है और इसमें भी आपको डबल इंजेक्शन की कैप्स मिलते हैं और ये कीबोर्ड आपको फुली मैट फिनिश के साथ मिलता है। तो ये काफी सोबर लुकिंग कीबोर्ड है और मैट फिनिश डेफिनेटली दिखने में काफी अच्छा लगता है। अब इस कीबोर्ड के आरजीबी की बात करें तो इस कीबोर्ड में आरजीबी में आपको दो मोड्स मिलते हैं, एक आपको रेनबो इफेक्ट मिलता है और एक आपको ब्रीदिंग इफेक्ट मिलता है। तो यही दो मोड्स आपको इसके आरजीबी में मिलते हैं। साथ में इस कीबोर्ड का जो की लेआउट है ना, वो स्टेप्ड की लेआउट है। स्टेप्ड की लेआउट कुछ इस तरह का होता है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो स्टेप्ड की लेआउट में क्या होता है ना, आपकी जो एक रो होती है ना और आपकी जो दूसरी रो होती है वो सेम लेवल पर नहीं होती है, आपकी जो सेकंड वाली रो होती है वो थोड़ी सी हाइटेड होती है एज कम्पेयर टू आपकी नीचे वाली रो। तो ये कुछ इस तरह का आपको स्टेप्ड की लेआउट इस कीबोर्ड में मिलता है। तो डेफिनेटली स्टेप्ड की लेआउट से आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। साथ में इस कीबोर्ड की कीज में आपको वेयर रेसिस्टेंट लेयर भी मिलेगी, तो इससे आपकी कीबोर्ड की कीज का वेयर एंड टेयर नहीं होगा। साथ में इस कीबोर्ड में भी आपको 19 कीज का एंटी घोस्टिंग फंक्शन मिलता है। और वारंटी की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको पिछले एचपी वाले कीबोर्ड की तरह 3 इयर्स की वारंटी मिलती है और 644 ग्राम्स का इस कीबोर्ड का वेट है। साथ में ये वाला कीबोर्ड भी आपके मैक और विंडोज दोनों के साथ ही कंपेटेबल है। तो अगर आपका बजट 700-800 का है ना और आप एक गेमिंग कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो ये कीबोर्ड आपके लिए बिल्कुल सही है। अब फिफ्थ और लास्ट कीबोर्ड पर आ जाते हैं, जो कि है यहाँ पर कोकोनट K17 स्लैम। अब ये जो कोकोनट नाम सुनकर आप सभी को हंसी आ रही है ना, देखो हंसो मत, जब एक ब्रांड का नाम एप्पल हो सकता है तो दूसरे ब्रांड का नाम कोकोनट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो खैर चलो, अभी कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस पर आ जाते हैं। तो ये वाला जो कीबोर्ड है ये आपको फुल मेटल बॉडी के साथ मिलता है, तो काफी प्रीमियम दिखेगा देखने में। और साथ में इसकी जो कीज और जो कीबोर्ड के नीचे का स्टैंड होता है, जिसको हम कीबोर्ड के लेग्स भी बोलते हैं, वो आपको थोड़ी सी रेज्ड हाइट के साथ मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कीबोर्ड। साथ में इस कीबोर्ड के जो बटन की स्विच लाइफ है वो आपको 5 मिलियन क्लिक्स तक की मिलती है। और इस कीबोर्ड के आरजीबी इफेक्ट की बात करें तो इस कीबोर्ड में आपको ओनली ब्रीदिंग वाला आरजीबी इफेक्ट मिलता है। साथ में इस कीबोर्ड में भी आपको 19 एंटी घोस्टिंग कीज मिलती है और 11 मल्टीमीडिया हॉट कीज मिलती है। और इस कीबोर्ड की जो केबल है वो आपको नायलॉन ब्रेडेड केबल मिलती है और जो यूएसबी इस कीबोर्ड की वो आपको गोल्ड प्लेटेड मिलती है। तो इस कीबोर्ड को खरीदने के लिए आपको घर वालों को ज्यादा मनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कीबोर्ड के साथ तो आपको सोना मिल रहा है, गोल्ड प्लेटेड यूएसबी। साथ में ये वाला कीबोर्ड भी आपके मैक और विंडोज दोनों डिवाइसेस के साथ फुली कंपेटेबल है। और वैसे ब्रांड वारंटी की बात करें तो यहाँ पर अमेजोन पर ब्रांड वारंटी से रिलेटेड यहाँ पर इस कीबोर्ड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो मैं एडिटिंग के टाइम पर यहाँ पर डाल दूंगा। और इस कीबोर्ड की वेट की बात करें तो उसका वेट है 910 ग्राम्स का और थोड़ा सा हैवी है ये कीबोर्ड एज कम्पेयर टू बाकी कीबोर्ड्स, क्योंकि इस कीबोर्ड में आपको फुली मेटल बॉडी मिलती है ना, बस इसलिए इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। और ये वाला कीबोर्ड एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है अपने सेगमेंट में। तो बस यही 5 बेस्ट कीबोर्ड्स हैं अंडर ₹1500। बस एक वाइल्ड गार्ड एंट्री वाला था वो, चलो उसको खैर छोड़ो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से यूजफुल लगा होगा, और यूजफुल लगा तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं लगा तो तब भी बताना ताकि मैं अपने फ्यूचर में वीडियोस को इंप्रूव कर पाऊं। और वैसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश किया हर एक कीबोर्ड के बारे में, बस एकदम डिटेल में नहीं किया ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। तो जरूर से अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर गया हूंगा तो जरूर से मुझे वो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करा करूंगा। तो बाकी फिर मिलता हूं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक अगली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।